चाहत हुई तेरे नाम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे तुम लोग? अरे तुम्हारी खातिर ये खाना नहीं खा रही थी, ये तो मेरे बहुत जोर देने पे थोड़ा सा खाना ले लिया है। चलो बैठो खाना खाओ। मेरा से कहें ये खाना खत्म कर ले, मैं आज सुबह बाहर से खाना खा लिया। अच्छा अरे तुम कहाँ जा रही हो, खाना तो खा लो। अब किसका दिल चाहेगा खाना खाने को अम्मी? अच्छा भाई जैसी मर्जी, मैं इन दोनों सौतनों के चक्कर में मैं क्यों भूखी रहूं? अजाब हैं दोनों। थैंक यू अशोक। किस बात का भाई? तुमने मेरी मोहब्बत को अम्मी और हरा के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया। भाई मुझे तो ऐसे नहीं लगा, जो सस्ता मैंने वही कहा। और सच ये है कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो, पता है? अम्मी ने मुझे हमेशा बहुत बेइज्जत किया हरा के सामने, लेकिन आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। जब तुमने हरा से कहा ना हेरा खुद खाना खा लेगी, मैं तो जोया के साथ खाना खा के आया हूँ। हाँ तो भाई मैंने झूठ तो नहीं बोला, हम खाना तो बाहर से खा के आई हैं। तुम नहीं समझोगे। समझना चाहता भी नहीं। चाय पीने का मूड है? ग्रीन टी पिला दो, खाना काफी ज्यादती का शिकार। ठीक है तुम चेंज करो, मैं बनाती हूँ। क्या हुआ मेरी बच्ची को, कैसी गिर गई? बस अम्मा वो नानो, अच्छा हुआ आप मेरे पास आ गई, मैं आपको बहुत याद कर रही थी। क्यों ना आती मेरी बच्ची, मैं तो कब से पूछ रही थी अपनी अलीजे के बारे में। अब आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? नहीं नहीं मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। बस जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे उसकी माफी मांगता हूँ। बेटा ऐसे क्यों कह रहे हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? रमशा ने जो सलूक आप लोगों के साथ किया वो बहुत गलत था। छोड़ो बेटा इन बातों को, अस्सलाम वालेकुम। अलीजे कैसी है? बेहतर है। यार फरीद मैंने तुझे पहले भी कहा था कि अलीजे को हमारे घर में रहने दे, अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर रमशा को इस मासूम के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि रमशा ने ही अलीजे के साथ कुछ किया। देखो फरीद तुम रहो अब अपनी उस बदमजाक बीवी के साथ, मेरी अलीजे अब उस जहन्नुम में नहीं जाएगी, इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन क्या लेकिन, ये मेरी मरहूम बेटी की निशानी है, क्या इस पे मेरा इतना भी हक नहीं बनता? अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, अलीजे को अपने साथ लेकर जाऊंगी। ठीक है जैसे आपकी मर्जी, अब मैं आपकी खुश नहीं करूँगी। जोया तुम्हें कब तक बर्दाश्त करेगी? सतापा तो दिखाएगी ना। वैसे एक बात सच है, अब पछता रही होगी जोया कि तुम्हें यहां ब्याह के क्यों लाई। तुम्हारी खातिर ये खाना नहीं खा रही थी, ये तो मेरे बहुत जोर देने पे थोड़ा सा खाना ले लिया है। चलो बैठो खाना खाओ। फिर ऐसे कहें ये खाना खत्म कर ले, मैं आज बाहर से खाना खा के।
हेरा, तुम अब सिर्फ हेरा नहीं हो, एक माँ भी हो। और एक माँ, माँ तो अपने बच्चे की खातिर कुछ भी कर गुजरती है। तुम्हें भीख मांगनी पड़ रही है ना अपनी मोहब्बत की, तो किससे? अपने शौहर से ना, अपने बच्चे के बाप से। इसमें हर्जी क्या है? अशर की मोहब्बत, उसके प्यार, उसकी चाहत पर तुम्हारा भी हक है। सुना तुमने? तुम्हारा भी हक है हीरा। डॉक्टर साहब, अब घर लेकर जा सकते हैं इनको? नहीं, आज नहीं, चोट गहरी है, अलबत्ता कल आप इन्हें ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है? जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। मैं आज अपनी अलीजे के पास ही रुकूंगी। नहीं अम्मा, आप क्यों बिलावजह परेशान हो रही हैं? मैं हूं ना यहाँ पर। तुम्हारी वजह से तो आज ये साल को पहुंची है, और मैं तुम्हारे पास छोड़ के चली जाऊं? इसे कह तो आप ठीक रही हो माँ, मैं ही कसूरवार हूं, अपनी बेटी का भी और आपकी बेटी का भी। माफ कर देना खाला, और वैसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। मेरे माफ कर देने से क्या होगा भला? असल मुजरिम तो ये हीरा का है। खाला, हीरा की तो अब शादी भी हो चुकी है, अपने घर में खुश हैं, उसको तमाम खुशियां वापस मिल गई हैं। आप भी अब बड़े दिल का मुजाहरा कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आज मैं अपनी अलीजे के पास ही रुकूंगी। आपने मुझे माफ कर दिया। माफ कर दिया। बाबा, अब नानो हमारे पास रहेंगी? बाबा नहीं, सिर्फ तुम। अभी तो तुम्हें हीरा खाला भी नहीं छोड़ने वाली है। नानो, मैं खाला के पास बाबा के बगैर भी तो रह सकती हूँ ना? चल यार फरीद, तेरी तो परेशानी खत्म हुई, अब तो तुझे सुकून मिल गया ना। ये रात रमशा घर कब आई? काफी देर से आई है और खाना भी खा कर आई है। ये हरकत उसने अच्छी नहीं की। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र रहने लगी है। फिक्र तो मुझे ही बहुत है सबात, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रमशा को मैं कैसे समझाऊं। ये सोचकर उसकी मैंने शादी की थी कि शादी के बाद वो मैच्योर और समझदार हो जाएगी, लेकिन वो तो और ज़्यादा बदमिजाज होती जा रही है। अल्लाह ताला हमारी रमशा की गोद भर दे, फिर आप देखिएगा कि उसके रवैये में कितना पॉजिटिव चेंज आएगा। वो अलीजे के साथ भी उसका रवैया बेहतर हो जाएगा। ये जो सब आप कह रही हैं ना, उसके लिए मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत होनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो आप बेहतर जानते हैं कि रमशा को फरीद से बेहतर कोई डील ही नहीं कर सकता, और एक दिन रमशा भी फरीद से मोहब्बत करने लग जाएगी। हम उन दोनों को कभी अलग नहीं होने देंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। आपको जूस और दूं? अरे नहीं, ओके, थैंक यू मच, प्लीज। थैंक यू सो मच, आपने वक्त पर माल की डिलीवरी करवा दी, अब मैं बड़ी आसानी से अपनी आउटलेट पर माल पहुंचा सकती हूँ। बस पावर सप्लाई का मसला नहीं होता तो एक हफ्ते पहले ही आपको माल मिल जाता। मुझे मालूम है आपने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन इन हुक्मरानों से कौन लड़ सकता है? अगर इनको आवाम की परेशानियां समझ में आ जाए तो सब मसले हल ना हो जाएं। हाँ जी, बस इन्हीं हालात में जीना सीख लिया है हमने तो।
चले मैं दुबई पहुंचकर अगली शिपमेंट का आपको ऑर्डर मेल करती हूँ। आई होप कि आपको हमारे माल और उसकी क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं होगी। आई होप सो। अल्लाह। अम्मी हमें अब इजाजत दें, हम लोग चलेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी, यहीं रहो। क्या? नहीं, आप लोग कहीं भी नहीं जा रहे। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप लोग यहीं पे रहेंगे। मगर अम्मी। बेटा अब तो तुम्हारी खाला भी यही चाहती हैं। तुम दोनों ने भी खाना भी नहीं खाया, मैं इस तरह कैसे जाने दूं तुम्हें? अच्छा अम्मी बताएं, आज आप खाने में क्या बनाएंगे? बताती हूँ, आज तो खाना बाबर की पसंद का बनेगा। फिर तो मैं अपनी अम्मी के हाथ की बिरयानी खाऊंगा। तुम फिक्र क्यों करते हो बेटा, मैं तुम्हारी बेगम को खाना बनाने के लिए किचन में नहीं भेज रही। अम्मी मेरा ये मतलब तो नहीं था। तो क्या मैं आपको अकेले काम करने दूं? हम मिलके खाना बनाएंगे, और वैसे भी मैंने जब भी कभी बिरयानी बनाई है बाबर ने हमेशा मुझे यही कहा है, बिरयानी तो मेरी अम्मी बनाती है, इन जैसी बनाओ तो जानू। अच्छा है, आज आपसे सेक भी लूंगी। वजी बेटा जाकर मेरे पर्स में से पैसे ले लो और बिरयानी बनाने का सामान लेकर। जी जी मैं ले आती हूँ। अरे अम्मी पैसों की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास है, हम सौदा ले आते हैं। मुझे पता है बहुत पैसा है तुम्हारे पास, लेकिन आज तुम दोनों हमारे मेहमान हो, इसलिए इसे सौदा लाने दो। अम्मी बेटा और बहू कभी मेहमान नहीं होते, और वैसे भी ये मेरी खाला का घर है, मैं उनका भी तो बेटा हूँ, हमारे पास पैसे हैं, हम लोग ले आते हैं। अम्मी बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं। चलो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं मेरे, सलाम के नसीब अच्छे करें। शकीला फरीद को फोन करके मालूम तो करें कि अलीज़े कौन से हॉस्पिटल में है। इस वक्त मेरा फरीद से बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है। रमशा भी बिल्कुल आप पर ही गई है, सरासी मिजाज के खिलाफ बात कर दो फिर देखो किस तरह रिएक्ट करती है। ऐसा मैंने क्या कर दिया? मेरा और आपका 23 साल का साथ है, मैं आपके मिजाज को नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? काश सबाहत बेगम रमशा का मिजाज भी आप पर चलता, आप कितनी हम्बल और नर्म मिजाज की है। शकील साहब मैं खानदानी रईस वालिदैन की औलाद नहीं हूँ, ना ही इकलौती औलाद हूँ। मैंने अपने घर में अपने वालिदैन को झगड़ते हुए भी देखा है और अपनी माँ को उन झगड़ों पे खामोश होते हुए सुना है। रमशा भी तो आपकी बेटी है। रमशा मेरी बेटी ज़रूर है, लेकिन उसने ज़िंदगी में जो कुछ चाहा फौरन हासिल कर लिया, इसीलिए उसकी ज़िंदगी में सिर्फ दो ही अल्फाज हैं, यस और नो। फरीद भी बहुत नर्म मिजाज इंसान है, इसलिए मैंने बिल्कुल सोच समझ के रमशा के लिए इसको चूज किया था। लेकिन शकील साहब आप ये क्यों भूल रहे हैं कि फरीद भी एक मर्द है, और मर्द को बदलते देर नहीं लगती, मौसम की तरह। अगर फरीद ने शादी कर ली तो? बात तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये भी तो देखें कि उसके साथ उसकी बेटी अलीज़े है, हमें तो अलीज़े के साथ कोई मसला नहीं है। लेकिन रमशा को तो है। सबाहत बेगम यहाँ तो सिर्फ रमशा को है, लेकिन फरीद को कोई भी अपनी बेटी नहीं देगा, और ना ही फरीद की बेटी को कोई एक्सेप्ट करेगा। शकील साहब मौशरा किस डगर पर चल रहा है आपको कुछ खबर भी है? और होगी भी कैसे, आप तो बस हर वक्त अपने बिजनेस में उलझे रहते हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फरीद हैंडसम है, स्मार्ट है, उसे कोई भी अपनी बेटी फौरन दे देगा। और उसके साथ अलीज़े जो है, शायद आप जानते नहीं हैं आजकल जवान बच्चों के बाप कंवारी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, और उन लड़कियों की डिमांड क्या होती है? सिर्फ पैसा। फरीद को तो इस तरह कोई मसला ही नहीं है, मसला है तो हमारी रमशा को, उसका गुजारा फरीद के अलावा किसी लड़के के साथ नहीं हो सकता। ठीक कह रही सवाल, हमें अलीज़े का ख्याल रखना चाहिए ताकि फरीद रमशा को छोड़कर ना चला जाए। शुक्र है आपको मेरी बात तो समझ आई, अगर फरीद यहाँ रह रहा है, उसका घर है ये, तो ये घर अलीज़े का भी तो है। हाँ ये तो ठीक है सब बात, लेकिन फरीद अलीज़े को यहाँ लाने ही नहीं चाहता। तो रह लेने दें उसे कुछ दिन वहाँ, कुछ दिनों बाद हम खुद जाकर अलीज़े को वापस ले आएंगे। ये रमशा का है?
रमशा अपनी दोस्त बबली के साथ बाहर गई है। आपको मना करना चाहिए था, कम से कम अभी तो ना जाए। मेरी बात सुनती कब है शकील साहब? बस एक दफा जो दिमाग में उसने ठान ली उसको वही करना होता है, और अगर जरा सा डांटो तो फिर अपनी तबीयत खराब कर लेती है। ठीक है। क्या देख रहे हो तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैं तो बस ऐसी बाहर देख रही थी। क्यों, मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती है क्या जो बाहर देख रही थी? ऐसी बात नहीं है, मैं बस सोच रही थी कि हर काली रात के बाद एक रोशन सुबह हमारी मुंतजर होती है। नहीं, बड़ी फिलोसॉफिकल बातें कर रही हो, सब खैरियत? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। आई नो तुम खुश हो, और ये भी जानता हूँ कि क्यों। और अब से मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आउटिंग पर ले जाऊं। नॉट अ बैड आइडिया। कैन आई हैव माय बैड टी प्लीज? हां श्योर, यू जस्ट गेट रेडी, मैं चेंज करके लाती हूँ। जी, क्या सोच रही हैं आप? कुलसुम, मैं सोच रही हूँ अलीजे और फरीद ने पता नहीं नाश्ता किया भी होगा या नहीं। तो आप फिर उनके लिए नाश्ता ले जाएं। हाँ, तुम ऐसा करो, नाश्ता पैक करो, मैं उनके लिए नाश्ता ले जाती हूँ। जी, मैं कर देती हूँ। बाजी, वो रिमशा बीबी भी साथ जाएंगी क्या? हाँ, रिमशा को उठा दो, वो साथ जाएगी। ठीक है। कुलसुम। जी बाजी। तुम ऐसा करो, नाश्ता पैक करो और रमशा को मैं खुद उठा देती हूँ। शुक्रिया बाजी, मुझे वैसे भी रमशा बीबी को उठाते हुए बहुत डर लगता है। वो क्यों? वो नाराज़ हो जाती हैं ना, नींद से जगाओ तो गुस्सा करती हैं वो। मुझे अंदाज़ा था कि वो तुम पे नाराज़ होगी, इसलिए मैंने सोचा मैं उसे खुद ही जगाती हूँ, तुम नाश्ता पैक कर लो। जी बाजी। रमशा बेटा, रमशा उठ भी जाओ बेटा, कब से उठा रही हूँ। मम्मा प्लीज सोने देना, इतनी मीठी नींद आ रही है। बेटा, देर तक सोना अच्छी बात नहीं होती, सुबह जल्दी उठने से सेहत अच्छी रहती है। बताएं क्या बात है? कोई बात नहीं है बेटा। मम्मा, जितना आप मुझे जानती है ना, मैं भी आपको इतना ही जानती हूँ।
भला वजह आप मेरी नींद खराब नहीं करती। बेटा बात यह है कि मैं और तुम्हारे पापा अलीजे को देखने हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो जाए, मैं क्या करूँ? देखो बेटा, हम ये चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ हॉस्पिटल चलो। मम्मा प्लीज, अगर आप चाहती हैं कि मेरा मूड अच्छा रहे और मेरा दिन अच्छा गुजरे तो आप लोग जाएं, मुझे साथ जाने का नहीं कहें। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। कैसी तबीयत है बेटा? और अलीजे कैसी है? मैं ठीक हूँ और अलीजे भी बेहतर है। मेरी बात तो कराओ अलीजे से। मैं बाहर बैठा हूँ, अलीजे को अंदर लेकर गए हैं बैंडेज के लिए। सब कुछ पैक कर दिया? जी बाजी। बाजी ये कब भी रख दो? हाँ हाँ कब भी रख दो। पता नहीं हॉस्पिटल में कैसे बर्तन होंगे। जैम पैक कर दिया तुमने? बाजी मैंने जेली और मक्खन रख दिया है। पता नहीं अलीजे बुखार में जेली खा पाएगी कि नहीं। तुम ऐसा करो, दोनों चीज़ें पैक करो, साथ में थोड़ा सा फ्रूट भी रख दो। जी अच्छा बाजी। और ये सब चीज़ें तैयार कर लो और जाके देखो शकील ने नाश्ता कर लिया है ना, तो डाइनिंग टेबल साफ कर दो। शकील को बता दूँ कि हमें नाश्ता लेके जाना। अरे बेटा तुम नाश्ता क्यों ले रहे हो? हम लेके आ रहे हैं। हम कौन? बेटा घर में कौन है? मैं, तुम्हारी मामी और रमशा। नहीं आप लोग प्लीज अहमत ना करें, हमने नाश्ता कर लिया। बेटा मैंने कहा ना हम आ रहे हैं, प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर आप और मामी आना चाहते हैं तो आ जाएं, लेकिन रमशा को नहीं लाइएगा, अलीजे उसे देख कर खौफजदा हो जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं जो कह रहा हूँ आप अच्छी तरह जानते हैं, अब मुझे और कुछ बोलने में मजबूर ना करें। तुम कहना क्या चाहते हो मुझसे? आप मुझे गुस्से में लग रहे हैं, हम बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। शकील कहाँ चले गए? कुलसुम ये बर्तन उठा लो। अरे जोया बीबी मैं चाय बना देती हूँ। तुम्हें पता है ना अशर को मेरे हाथ की बेटी अच्छी लगती है। हाँ जी ये तो है, तभी तो बेगम साहबा कहती है आप जादूगरनी है, आपने ना अशर साहब पे जादू कर दिया। अच्छा तो फिर तुमने क्या कहा? भाई मैंने तो कह दिया बेगम साहबा से हमारी जोया बीबी है ही इतनी खूबसूरत कि उनका जादू सर चढ़ के बोले। तुम्हें पता है ना तुम बहुत तेज, पर थैंक यू तुमने अम्मी के सामने मुझे खूबसूरत कहा। अरे तो मैंने तो वही कहा ना जो सच्चा जी। स्वीट थैंक यू, बहुत अच्छी हो तुम। जाओ जाके नाश्ते की तैयारी करो, इससे पहले अम्मी आ जाए। भागो। नूरी मुझे चाय वाली छलनी देना अलमारी से। शकील मैं सोच रही हूँ हमें अलीजे को देखने हॉस्पिटल जाना चाहिए। तुम्हारे सोचने से क्या हो जाता है, रमशा कभी उसे देखने नहीं जाएगी और अब तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अगर उसने अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया तो ऑफिस से निकाल दूंगा उसे, रोड पे लाके खड़ा कर दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप शकील, फरीद हमारा दामाद है। मुझे नहीं लगता कि अब वो हमारा दामाद ज्यादा अरसा रहे। एहसान फरामोश, जो रवैया आपकी बेटी ने अलीजे के साथ रखा हुआ है ना, अगर फरीद की जगह कोई और होता तो कब का छोड़ के जा चुका होता। प्लीज सभा प्लीज, अब उसकी ज्यादा तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ फोन करके बच्ची की खैरियत खुद ही मालूम कर लूं। तुम्हारा जो जी चाहे करो, लेकिन प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे जनाब क्या बात है, आज तो सुबह सुबह हमारे कमरे में इतनी रौनक, आई कांट बिलीव इट। भाई आप तो इस तरह एक्साइटेड हो रही हैं जैसे आज से पहले ये कभी हमारे कमरे में आई नहीं। नहीं ठीक है, आओ इसको मुझे दो, तुम चाय पी। आ जाओ बाबा आ जाओ।
अशरफ, हैरा इसे मेरी गोद में देख के बुरा तो नहीं मान जाएगी ना? वो क्यों बुरा मानेगी? जब मैं कमरे में गया तो वो कमरे में नहीं थी, रो रहा था, इसलिए यहाँ पे लेके आ गए। अच्छा ठीक है, तुम चाय पियो। अरे हीरा आओ ना। आई एम सॉरी मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये मजीद तंग करेगा जो है आप दोनों को। मुझे तो मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बारिश को मेरी गोद में देख के बुरा मान जाएगी। इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत। चल अब तुम चाय पियो। मूड नाश्ता भी नहीं करना होगा। मेरी बेटी, मेरी लाडो, मेरी गुड़िया, कितना पाला बेबी है ना मेरा। अभी देखना डैडी आएंगे, बहुत सारे टॉयज लेकर आएंगे मिशेल के लिए, और मिशेल उनसे खूब खेलेगी, है ना भाई? शहजादी क्या बात है, बड़ा प्यार हो रहा है अपनी बच्ची से। बेटी से तो हर माँ प्यार करती है, जैसे आप अपनी ईशा से करती हैं और मेरी मम्मा मुझसे। हाँ तो करो प्यार, किसने मना किया है। अच्छा हाँ, ईशा से मुझे याद आया, तुमने उससे बात की थी? शेरी का रवैया उसके साथ कैसा है? नहीं अम्मी, मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। मेरा ख्याल है कि आप खुद उससे बात कर लें, क्योंकि माँ से बात करके बेटी को जो सुकून और इत्मीनान मिलता है ना, वो किसी और से बात करके नहीं मिलता। चलो मैं खुद ही उससे बात कर लूँगी, बस खैरियत ही तो उसकी पूछनी थी। अच्छा लाओ मेरी पोती को तो मुझे दे दो। अब ये काफ़ी बेहतर है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। और डॉक्टर साहब बैंडेज कब उतरेगी इनकी? एक दो दिन तक, लेकिन मेडिसिन इन्हें बाकायदगी से दीजिएगा। अच्छा अम्मा मैं बिल पे कर आता हूँ, फिर घर चलते हैं। पापा मैं रिमशा आंटी के घर नहीं जाऊंगी। अरे मेरी जान, मैं आपको वहाँ लेकर भी नहीं जाऊंगा। अब अलीजे अपनी नानों के साथ रहेगी। मैं गाड़ी गेट पर लेकर आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? अब अलीजे और उसकी नानो साथ साथ रहेंगे, ठीक है? हेलो, आई थिंक कोई रॉन्ग नंबर है। सुबह सुबह ना रॉन्ग नंबर भी सारी नींद खराब कर देते हैं। कुलसुम, कुलसुम जी। बीबी जी, मामा बाबा हैं या हॉस्पिटल गए हुए? अभी तक तो घर पर ही हैं। ठीक है, एक काम करो, मेरे लिए बेड टी ले आओ। जी अच्छा। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ और फिर मैं आपको कॉल करूँगा। ठीक है, आप आते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है ना। रमशा उठ गई क्या कुलसुम? जी बाजी, उन्हीं के लिए बैटी बनाने जा रही हूँ, आपका और साहब का पूछनी थी वो। अच्छा ठीक, अगर रमशा उठ गई है तो मैं भी मिल लेता हूँ, वो ना कहेगी कि बगैर मिलने चले गए। चल हेलो बेटा रमशा। बाबा आप और मेरे रूम में। हाँ बेटा, भाई कल से तुम्हें देखा नहीं था, इसने सोचा कि देखता हुआ जाऊं। बैठें और जी भर के देखें अपनी बेटी को। वाह भाई, हमें तो कोई इतने प्यार से रोज बैठने को नहीं कहता। मैं तो रोज इस कमरे में आती हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और मैं ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी बैठ जाएं। हाय बैठे। आप लोग चाय पियेंगे? हाँ नहीं बेटा नहीं, हमने तो नाश्ता भी कर लिया और चाय भी पी ली है। रमशा तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हारी कल शादी हुई हो,
और हम दोनों तुमसे आज मिलने आए हूँ। मामा शादी तो मेरी हो चुकी है ना, लेकिन बाबा के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है कि हमारी बेटी को हमसे बहुत शिकायतें हैं। जी बाबा, बहुत सारी तो नहीं लेकिन थोड़ी सी तो हैं। पर इसके लिए तुम्हें पूरा दिन चाहिए होगा, और बेटा अभी हमें देर हो रही है, फिर कभी सही। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हो गई बाबा से शिकायत। अच्छा कौन है, आ रही हूँ। बेटा अरे बेटा फरी अंदर आ जाओ। आ बेटा। अच्छा किया सायरा। क्या अलीजे को भी अपने साथ लिए? मैंने तो फरीद से कह दिया है कि अलीजे हमारे साथ ही रहे। हाँ फरीद बेटा, अब अलीजे को अपने साथ ले जाने की गलती मत करना, इसे यहीं अपनी नानों के पास रहने दो। जी खाला, अब मैंने खुद भी फैसला कर लिया कि अलीजे यहीं पर अपनी नानी के घर रहेगी। इंसान ठोकर खा के ही संभलता है। चलो फरीद को भी ये बात समझ में आ गई। चलो तुम लोग बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। हेलो जी आंटी। नहीं हम लोग हॉस्पिटल में नहीं है, मैरीजे को यहाँ उसकी नानी के घर लेकर आया। नहीं आंटी, अब मैं समझ गया हूँ कि अलीजे को कहाँ रहना चाहिए। जी ठीक है। चाहत हुई तेरी।